Good morning students, once again we were studying about our last lesson, that is kind of materials. Okay, in our last class we have studied about how we can group the different objects on different properties. Okay, what is classification? Now we are going to discuss what are the basic things on which we can classify the objects. We are going to discuss them one by one, giving examples. Okay, our first property on which we can group the objects, that is appearance. Appearance मतलब जब हम किसी को देखते हैं तो वो दिखने में कैसा है. ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो या तो हमें बहुत चमकदार दिख सकता है, बहुत शाइनी सरफेस दिख सकता है, या डल दिखाई देगा. ओके, तो दो कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है, या तो वो लश्यरस, लश्यरस का मतलब होता है शाइनी, और नॉन लश्यरस का मतलब होता है कि वो डल नजर आ रहा है. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस. अपीयरेंस शाइनी या लश्यरस या डल या नॉन लश्यरस. ओके, पहली प्रॉपर्टी क्लियर. जैसे लकड़ी हमारे पास लश्यरस होती है, और लकड़ी हमारे पास है वो नॉन लश्यरस है, और जो ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के, सिल्वर के, मेटल के बने हुए, वो क्या होते हैं, लश्यरस होते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्सचर की. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके देखेंगे तो टच करने पर कैसी फीलिंग देता है, उसको हम कहते हैं टेक्सचर. वो स्मूथ भी हो सकता है, जैसे सिल्क के कपड़े को पकड़ेंगे तो स्मूथ रहेगा, और वो रफ भी हो सकता है, जैसे हम कॉटन के कपड़े को पकड़ेंगे तो वो कैसा होगा, रफ होगा. और थर्ड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, उसको अपने हाथ में लेंगे तो वो कैसा फील करता है, वो हार्ड हो सकता है, वो सॉफ्ट हो सकता है. जैसे अगर मैं स्टोन को अपने हाथ में लूं, स्टोन हार्ड होगा, और कॉटन को हाथ में लूं तो वो सॉफ्ट होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी कैन सी इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का मतलब है हियर वी आर डीलिंग ओनली सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि पानी में अगर हम उसको डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट को दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होता है. अगर पानी में वो डिसॉल्व होता है तो इसका मतलब वो सॉल्युबल है, और अगर पानी में वो डिसॉल्व नहीं होता तो वो इनसॉल्युबल है. सॉल्युबिलिटी, अगर हम एग्जांपल लें, एक ग्लास पानी लें, उसके अंदर चीनी डालें, तो चीनी उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी. जो वाटर और जो शुगर का सॉल्यूशन है वो डिसॉल्व हो जाएगा, इट मीन्स वो सॉल्युबल है. और अगर मैं एक गिलास पानी लूं, उसके अंदर एक स्पून सैंड डाल दूं, और उसको कितनी भी देर मिलाते जाओ, थोड़ी देर के बाद में मिट्टी का अलग लेयर बन जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, इट मीन्स इट इज नॉट सॉल्युबल. ठीक है, नेक्स्ट आर प्रॉपर्टीज एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक. एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक मतलब अगर मैं पानी के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को डालूं तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगी या नहीं करेगी, या उसके अंदर चली जाएगी. जैसे अगर मैंने एक बकेट पानी लिया, उसके ऊपर पेपर डाला, तो वो क्या होगा, ऊपर फ्लोट करेगा. और अगर मैंने उसके अंदर कोई पत्थर डाला, पेबल्स डाले छोटे छोटे, तो वो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा, उसके बॉटम पर बैठ जाएगा, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है. ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे, ट्रांसपेरेंसी होती क्या है, ट्रांसपेरेंसी होती है एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अलाउ लाइट टू पास. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होती है, नहीं होती, कितनी होती है, उसके बिहाफ पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी. क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी. मतलब इसके तीन हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओके, जिनको हम अगली क्लास में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स ऑफ दैट. ओके, तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी ग्रुप करने के लिए, अपीयरेंस देखने में कैसा है, लश्यरस या नॉन लश्यरस, टेक्सचर टच करने में कैसा है, स्मूथ है या रफ, हार्डनेस टच करेंगे तो हार्ड लगेगा या सॉफ्ट लगेगा, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर वो ऑब्जेक्ट डिसॉल्व होता है या नहीं होता, एबिलिटी टू फ्लोट पानी में ऊपर फ्लोट करेगा या नीचे डूब जाएगा, और अगली और लास्ट जो हम इसमें ग्रुप कर रहे हैं वो है ट्रांसपेरेंसी, लाइट को पास करने की एबिलिटी.